अंसारी समाज से, और अंसारी समाज ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और देश की आज़ादी के टाइम पे, बंटवारे के टाइम पे अंसारी समाज ने मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ वोट दिया, देश के बंटवारे के ख़िलाफ़ वोट दिया। देश की आज़ादी के लिए अंसारी समाज की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और उसी के उस उपलक्ष्य में ये जो 15 अगस्त का पर्व हर साल मनाया जाता है, आज जो 75वां वर्ष है इस पर्व का, इस पर्व के लिए जो है सारा बुनकर समाज एकजुट होकर बुनकर एकता समिति की ओर से उसके जो है इसके नेतृत्व में मोहम्मद इदरीस अंसारी किला अध्यक्ष के नाते सब लोगों ने जो है मिलजुल कर जो है सारा इस पर्व को मनाया है। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा निकाली? ये बाढ़ से लेकर राजागंज चौराहा, पचराहा और नगर पालिका, तिकोनिया, औरंगाबाद चौराहे होते हुए शास्त्री जे तला चौराहे होते हुए हम जो है सही इस मार्ग पे आए हैं, और ये इस पर्व का मकसद यही है कि देश और हम सभी लोग हमारी बनकर एकता समिति जो हम लोग और उसके ही झंडे तले हम लोगों ने आज यात्रा निकाली है, जो बनकरों की समस्या है इस संगठन के द्वारा हम लोग उसको समाधान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मेरा नाम मोहम्मद इमरान अंसारी है, और हम सब लोग बनकर समाज एकता समिति की तरफ से आए हुए हैं, और हमारी आज यात्रा जो निकाली है इसका मेन मकसद यही है कि हम लोग बहुत खुश हैं। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर हम सब अंसारी समाज के लोगों ने एकजुट होकर यात्रा लगा ली है, और हम सबकी एक यही कामना है कि हम सब देशवासी एक साथ मिलजुल कर इस खुशी के पर्व को एक साथ मनाएं। आज का दिन इस हिंदुस्तानियों के लिए जश्न का दिन है, एक खुशी का दिन है। हमारा मुल्क सन 1947 में जब आज़ाद हुआ था, आज की वो तारीख हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, आज हम इस मुल्क की आज़ादी यौम आज़ादी मना रहे हैं, और इस यौम आज़ादी में हम एक पैगाम देना चाहते हैं इस आवाम को, इस जनता को, कि हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो, ईसाई, पारसी, हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। यहाँ कोई भेद और भाव नहीं है, हमारा हिंदुस्तान एक चमन की तरह है, एक गुलिस्तान की तरह है, और हम चाहते हैं ये चमन चमन की तरह रहे, हम इसको बिखरने नहीं देंगे। और ये जो जमात आई है, ये उस मजदूरों की जमात है, जो बुनकरों की जमात है, इसने अपनी आज एकता का एक परिचय दिया है, और ये परिचय
आज पहली बार ऐसा हुआ है, इंशाल्लाह अगली बार इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में हम इंशाल्लाह यहाँ इकट्ठा होंगे और लोगों को ये संदेश देंगे कि देखो हम पसमानदा मुसलमान एक झंडा तिरंगे के नीचे हैं और हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।